चलिए जी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, जी हाँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो कि स्पॉन्सर्ड है SBI से, चलिए यहाँ पर आने वाली हैं ग्रुप डी की भर्तियाँ। क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कब तक ये भर्तियाँ आई, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने जो है आउटसोर्स के माध्यम से यहां पर जो भर्तियां निकालने वाली है उसके लिए जो है बिड जारी कर दी है। यहां पर देखिए पूरी मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं कहां कहां ये भर्ती निकलने वाली है। तो यहां पर भर्ती निकलेगी देहरादून में निकलेगी, पौड़ी में निकलेगी, पिथौरागढ़ में निकलेगी, हल्द्वानी में निकलेगी और अल्मोड़ा में निकलेगी। ठीक है, कितने कितने पद हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के पद हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउसकीपिंग, यहाँ पर देख सकते हैं देहरादून में 98 पद, पौड़ी में 50 पद, उसके अलावा पिथौरागढ़ में 40 पद, आरओ हल्द्वानी में 58 पद, अल्मोड़ा में 49 पद, ड्राइवर के लिए 5, 2, 2, 1, 1, 2, इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी कुल मिला के। देहरादून की बात करें तो यहाँ पर 105 पद, आरओ पौड़ी में 53 पद, पिथौरागढ़ में 44 पद, 63 पद आपके हल्द्वानी में और उसके अलावा 52 पद अल्मोड़ा में, यानी कि कुल मिला के 300 से अधिक पदों पर ये भर्ती आने वाली है और एक ग्रुप डी की भर्ती है। और यहाँ पर मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो हाउसकीपिंग के लिए आपको 8वीं पास होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ठीक है, ड्राइवर के लिए जैसे भी 8वीं पास होगा और आपके लिए यहाँ पर हैवी व्हीकल का यहाँ पर जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रहती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इन्होंने क्वालिफिकेशन में 12th कर रखा होगा और उसके अलावा बाकी हाइट और जो भी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द इसका विज्ञापन मिलेगा, कब आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पूरी PDF कहां मिलेगी, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि कब तक ये भर्ती आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडेशन होगा 1/1/2024 से शुरू होगा और 31/12/2024 को ख़त्म होगा, यानी कि एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर, यानी कि हर हाल में नवंबर और दिसंबर में इनको ये भर्ती कंप्लीट करा लेनी है। इट मींस इस महीने की लास्ट तक आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं, आउटसोर्स के माध्यम से होंगी इंटरव्यू। और इसके लिए करना क्या होगा, जिस हिसाब से अभी उत्तराखंड सरकार ने प्रयाग रोजगार प्रयाग पोर्टल पे जो है सारी भर्तियों को इनबिल्ट ऑनबोर्ड करने को कहा है जेम के माध्यम से, तो हो सकता है आपको ये रोजगार प्रयाग पोर्टल पे ही ये भर्ती आपको दिखाई दे। तो इसीलिए अगर आपने रोजगार प्रयाग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखा है तो आप ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं ऐसा हो कि जब ये भर्ती आए आपाधापी में आप करें और वेबसाइट ही उसकी ना चले। तो इसीलिए पहले अगर करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो कैसे कराना है हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा हुआ है, हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि कब कब ये जो है भर्ती आने वाली है, तो आप देख सकते हैं पूरा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ उन्होंने पूरा डिटेल देख रखा है, स्कोप ऑफ वर्क यानी कि क्या क्या काम रहेगा। तो आप देख सकते हैं हाउसकीपिंग की बात करें तो टू कैरी आउट हाउसकीपिंग सर्विसेज टू 98 डिफरेंट ब्रांचेस, तमाम जो हाउसकीपिंग में काम होता है, साफ सफाई, मेंटेनेंस, अपकीपिंग, हाउसकीपिंग, सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पर ड्राइवर की बात करें तो उसका क्या काम रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड टू मैन पावर हैविंग वैलिड कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद तमाम जो गाड़ियाँ होंगी बैंक की, ATM की, इस तरह से तमाम और जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको ले जाने आ जाने का सब कुछ होगा, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो शुड प्रोवाइड आर्म सिक्योरिटी गार्ड हैविंग वैलिड गन लाइसेंस डिफरेंट ऑफिसेज ब्रांचेज ऑफ द बैंक अक्रॉस ऑल ओवर उत्तराखंड। तो ये रही सारी डिटेल्स, उसके अलावा कब ये फॉर्म आएगा ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने सैलरी से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप इसको अच्छे से नीचे से डाउनलोड स्क्रॉल करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। PF भी आपका इसमें जो है कटेगा, मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ये देखिए टेंडर की ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे
ये देखिए वर्क एक्सपीरियंस फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज इन उत्तराखंड, ये तो उनके लिए है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या यहाँ पर करना होगा, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर एज ए सैलरी ग्रुप में आपको मिलेगी, क्या क्या आपको काम करना है वो तो मैंने ऊपर बता दी। यहाँ पर हाउस कीपिंग के लिए यहाँ पर बेसिक वेजेस ESI EPF और अदर जो सर्विसेज चार्ज हैं यहाँ पर आपको जो है मिनिमम सब कुछ देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये ड्राइवर्स के लिए है, बाकी आप देख सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सिक्योरिटी के लिए है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे के रखी हैं। तो ये रही सारी डिटेल, PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।